नमस्कार दोस्तों, आज हम मौजूद हैं जिला अस्पताल के एक ऐसी जगह पर जो बहुत ही नेक और पाक जगह मानी जाती है। यहां से होता है खिदमत खल्क यानी जनता की सेवा, और वो भी बिना किसी भेदभाव के। हिंदू मरीजों, मुस्लिम मरीजों, सिख हो, ईसाई हो, छोटा हो, बड़ा हो, ऊंच हो, नीच हो, किसी प्रकार की परिभाषा इस सेवा के केंद्र में नहीं है। और मुख्तसर करीब 30 सालों से गिजाल भाई मेरी उंगली के सीट में देख रहे होंगे, ये इसको अंजाम दे रहे हैं। शहर के ऐसे बहुत सारे दानदाता हैं जो बड़ी खामोशी से जनता की सेवा करना चाहते हैं। इनके माध्यम से वो सामान यहां पर पहुंचता है, चाहे कंबल हो, चाहे ट्राईसाइकिल हो, चाहे छड़ी, बैसाखी, ऑक्सीजन, यानी किसी भी प्रकार की जरूरत किसी गरीब मरीज को पड़ जाए और इनको पता लग जाए तो तुरंत उस मरीज के बिस्तर पर जाके वो सामान पहुंच जाता है। बहुत सहयोग कर रहे हैं समाज का। आज हम एक खास स्टोरी के तहत मिलवाने जा रहे हैं आपको गिजाल भाई के खिदमत खल्क से, जो 30 साल में किसी पत्रकार की नजर नहीं पड़ी इनके काम पर, समाज सेवियों की नजर नहीं पड़ी। हम आपसे अपने चैनल के माध्यम से भी अपील करना चाहेंगे, ऐसे समाज सेवी जो कि कोई पब्लिसिटी नहीं चाहते, कोई चर्चा नहीं चाहते, कोई अखबार में शोशेबंदी नहीं चाहते, ऐसे लोगों की मदद करके इनके माध्यम से हम बहुत गरीबों की मदद कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गिजाल भाई, चैनल की जानिब से पुनः आपको। गिजाल साहब है और यहाँ से खिदमत करते हैं, ये मरीजों की खिदमत के लिए कुछ सामानात रखे हुए हैं। गिजाल भैया क्या क्या है इसमें? इसमें बिस्किट्स वगैरह हैं सारे, ये देने के लिए, और ये ब्लैंकेट्स हैं दिए हुए लोगों के, व्हील चेयर वगैरह हैं, बैसाखी है, बॉक्सर हैं ये सारे, और अंदर जो है आपका ये चाय का साधन का ड्रम रहता है, कंटेनर पूरा इस तरह से, ये टिट्टी वगैरह है लाशों के लिए, और इसमें इधर छड़ी छड़ी वगैरह का भी रखते हैं गरीबों को बांटने के लिए, ये सारा रहता है। फिर रूम हीटर्स वगैरह है, नेमुलाइजर वगैरह, ये पूरा सेटअप रहता है नेमुलाइजर मशीन का गरीब लोगों के लिए पूरा, ये इस तरह से इसको दे देते हैं, जब यूज़फुल हो जाए तो इसके हमें रिटर्न कर दें, तो इस तरह से ये लोग ले आते हैं ये वापसी हमारे पास, सारा ये सब सामान रहता है। ये सब फ्री है? जी बिल्कुल फ्री सेवा, लोगों का दिया हुआ होता है सबका, और सबका सामान जो है पूरा कॉम्प्लीट होता है सब शहर से हमें, और लोग दे जाते हैं उसको उसी तरीके से इस्तेमाल, ज़रूरतमंद के तहत जो जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको दे करके इसका इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से सब कफन रखे रहते हैं अलमीरा के अंदर। अलमीरा में कितने साल हो गए आपको ये खिदमत करते हुए? जरा 20वां साल चल रहा है सर। अच्छा, जिला अस्पताल में, और सब लोग कॉपरेट करते हैं, डॉक्टर साहब जितने हैं, सारे सर्जन लोग हैं, सब स्टाफ पूरा कॉपरेट करता है, सीएमओ साहब पूरा कॉपरेट करते हैं, ये सीएमओ साहब ने दिया हुआ है जगह मेरे को, तब इसीलिए यहाँ सारी फैसिलिटी गरीब मरीजों के लिए अवेलेबल रहती है। देखिए गिजाल भाई है जो बीते 30 सालों से खिदमत खल्क कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी कौम का मरीज जिला अस्पताल में आ जाए और इनको पता चल जाए कि उसको नेबुलाइजर की जरूरत है, बैसाखी की जरूरत है, ट्राईसाइकिल की जरूरत है, व्हील चेयर की जरूरत है, तो वो तुरंत कंबल की जरूरत है, इसके अलावा छड़ी की जरूरत है, छाते की जरूरत है, ऐसे बीसीओ सामान इनके छोटे से इस कॉर्नर में जीने के नीचे रखे हुए हैं, कमरे के अंदर रखे हुए, ऑक्सीजन का सिलेंडर आप देख रहे होंगे, ऐसी जिस मरीज को जिस तरीके की जरूरत पड़ जाए वो यहां से हासिल कर सकता है, ले भी जाते हैं लोग और बाद में वापस भी कर जाते हैं। बहुत बड़ी खिदमत है गिजाल भाई, और बरेली ही नहीं बल्कि आसपास के लोग भी आपको दुआएं देते हैं जब यहां पर आते हैं। आज हमारी आपसे मुलाकात हुई, नए साल में आप खूब तरक्की करें, हमारे चैनल की तरफ से भी आपको दुआएं हैं।